प्रधानमंत्री का जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को परेशानी शुरू हो गई जब असदुद्दीन ओवैसी अपने भाषण में भूज में मैंने उन्हीं के एक सांसद श्री वरुण गांधी का डेटा को जनता के सामने रख दिया कि केंद्र सरकार के पास 55 लाख से ज्यादा सैंक्शन पोस्ट के वैकेंसीज हैं। तो फौरन प्रधानमंत्री को लगा कि अब असल मुद्दे पे ये लोग बात कर रहे हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री ने हड़बड़ाहट में ये ऐलान कर दिया कि 2024 तक 10 लाख नौकरियां दी जाएंगी, यानी हर साल 5-5 लाख नौकरियां। हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे, क्या है ये सच नहीं है कि आपने 2014 में देश से कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो 8 साल में तो 16 करोड़ नौकरियां आपको देना था, आप भूल गए उसको, और अब आप कह रहे हैं कि मैं 24 में, क्योंकि चुनाव आ रहा है पार्लियामेंट का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, गुजरात का, आप कह रहे हैं कि मैं 5-5 लाख नौकरी दूंगा। भाई, 16 करोड़ नौकरियों का क्या हुआ बता दीजिए हमको, वो क्यों नहीं दिया आपने? और ये जो 10 लाख नौकरी का आप बोल रहे हैं, 10 लाख नहीं 55 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सैंक्शन पोस्ट है, आप क्यों नहीं देते वो 10 लाख क्यों दे रहे हैं आप? और चौथी बात यह है कि 8 साल में आपने तो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट आपने अपॉइंट किया, जिसको हिंदी में कहते हैं कि संविदा कनन जारी, यानी कोई भी किसी को हायर करेगा, फायर करेगा, कीमतें सरकार की वजह से बढ़ रही है तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, माने किस्म से स्लेवरी करेगा, ये क्या कर रहे हैं? आपने तो कुछ नहीं किया, डॉलर तो अब करीब 17.8-17.9 रुपीज़ हो चुका है, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 7.83 है, आप तो पहले साल हर साल 2 करोड़, वो झूठ साबित हुआ जबकि 16 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, अनएम्प्लॉयमेंट 7.83 है, इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और आपके ही केंद्र सरकार में 10 लाख नहीं 55 लाख से ज्यादा वैकेंसीज है, उसको फिल करिए आप पूरा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करिए, उसके ऊपर बात ही नहीं होती, और ऐलान कर दिए क्योंकि अब चुनाव है गुजरात के, फिर उसके बाद दूसरे कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ है, फिर 24 में चुनाव है, तो अब कह रहे हैं कि 5-5 लाख देंगे। सबसे पूरे विश्व में, अगर पूरी विश्व में अगर कहीं नौजवान युवा बेरोजगार है तो भारत में है, और प्रधानमंत्री ऊंट के मुंह में जीरा दे रहे हैं। सर, यूपी के एडीजी आने वाले फ्राइडे के दिन उत्तर प्रदेश के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि बहुत सारे हॉस्टल्स हो गए वहां पर। हाँ, तो पहले से घर तोड़ दीजिए पूर्वों के, आप अभी तोड़ दीजिए, पहले से घर तोड़ दीजिए ना, किस्सा खत्म हो गया, क्या जरूरत ही नहीं है आपको, आप घर तोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक करेंगे और घर तोड़ देंगे, अभी से घर तोड़ दो आप, रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी माँ के नाम पे था, आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी, आपको कोई अख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का, अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टीनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उस पर तो 5-5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की, ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ, ये खुली नफरत की मिसाल है, कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लाठों से मारती है, और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है, हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे, सरों पे मारते हैं, ये पुलिसिंग है आपकी, ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। अरे, आप अरेस्ट करिए, कोर्ट में कन्विक्शन दिलाइए अगर आपका सबूत है तो, और झारखंड में आपने 15 लोगों पर गोली चला दी, 2 मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, 1 के जिस्म में 6 गोलियां, क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूं, झारखंड में जो फायरिंग हुई है। सर, यूपी के एडीजी ने ये कहा है कि अगर लीगल बॉडी हमसे इसका जवाब पूछती है कि हमने बुलडोजर एक्शन क्यों किया, तो हमारे पास सारे जवाब मौजूद हैं। अरे, आपकी झूठ इसी अभी सामने आ गई कि वो घर जो आप नोटिस दे रहे हैं, उस लेडी जो एक्चुअल ओनर है महिला, उसके पति को दे रहे हैं, आपकी झूठ ये साबित आ गई, सामने आ गई। दूसरा आपकी झूठ ये कि टैक्सेस दिए जा रहे हैं, ये आपकी दूसरी झूठ। तीसरी झूठ, आपके कैमरास थे, लाइव दिखा रहे थे, हथियार दिखा आपको,
अच्छा अगर हथियार मिला भी तो सीन ऑफ ऑफेंस को प्रिजर्व करना चाहिए ना, आपने उसको भी बर्बाद कर दिया। ये कलेक्टिव पनिशमेंट दिया जा रहा है,